वहीं सुंदरनगर में भी एबीपी द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए एपी की सुंदरनगर इकाई के जिला संयोजक रजत चंदेल ने बताया कि शिमला में आयोजित की गई आक्रोश रैली में पूरे प्रदेश भर से छात्रों ने इकट्ठा होकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। 30 मार्च को विद्यार्थी परिषद की शिमला में एक आक्रोश रैली निकली, जिसमें पूरे प्रदेश भर से 27,000 स्टूडेंट ने भाग लिया, जिसमें सुंदरनगर जिले से 600 संख्या रही और इसमें 14 बसें निकली। कुछ मांगों को लेकर विद्यार्थी परिषद ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा, जैसे कि जो शैक्षणिक भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और जो शिक्षा व्यापारीकरण हो रहा है, जैसे मुद्दों को लेकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा।